veseli, ka sitak, jeklina, ka dega sab kut saaf. Aap apni success party chhod kar, mujhe company de rahe. Uske liye I'm sorry. Wo sitara dekh rahi ho? Kaun sa? Wo... रक्षा पार्टी गेट जाएंगे भाई पता नहीं कौन है पता वरना मैं से ओए कीप द डिस्टेंस आसमान से अपने पर तुलवा के गिराए आंखें उठा कर देखो समीर खान मुझे अकेला करके मारना चाहते मेरे अपने मुझे मारना चाहते चुप करो छुटकी इतनी यही कहा था ना तुमने लो मैं बन गई सितारा बेहोश के दायरे बनते जाते हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस वीडियो तो मैं मूवी देख के जस्ट निकला और अभी घर जाके फिर आप लोगों से होती है डिटेल में बात कि क्या देखा मैंने और कैसी रही वीडियो तो घर जाके मिलता हूँ आप लोगों से मैं आ गया हूँ वापस घर और कोई भी बात शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल विच नेम इज अर्सलेशन एंटरटेनमेंट एंड जब आप सब्सक्राइब करें तो हिट द बेल आइकन एज वेल ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन हो जाए आपको मसूर तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ बात करते हैं आज की फिल्म की जी बिल्कुल जैसे कि आपको पता है कि एक जुनून सा था मुझे ईद की फिल्म देखने का तो आज जी मैंने सुपरस्टार मूवी देखी सुपरस्टार जैसे कि आपको पता है माहिरा खान बिलाल अशरफ इख्तियामुद्दीन ने की है जी डायरेक्ट मोमना दुरैती हम टीवी की है प्रोडक्शन तो फिल्म मैंने देखी बिल्कुल और मैं कोई भी फिल्म देखता हूँ तो मैं मार्जिन रखता हूँ ज़रूर कि अभी हम लोग ग्रो कर रहे हैं अभी हमारा स्टार्ट है तो फिल्म की कमियों को भी हार्श वर्ड्स में ना गिनवाऊँ तो इसलिए मुझे ये भी तनकीद सुनने को मिलती है कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी वीडियो जो है वो तुम मिर्च मसाला नहीं लगा रहे तुम जो है बढ़ चढ़ के नहीं बोल रहे लेकिन मैं कहता हूँ नहीं हम लोग ग्रो करें तो एक चांस देना चाहिए तो अब बात करते हैं आज की मूवी की सुपरस्टार की तो सुपरस्टार जी पर्दा खुला फिल्म शुरू हुई फिल्म का स्टार्ट अच्छा था और ऐसा था कि फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था मुझे तो क्योंकि जब मैंने परे हाटलाम देखी तो इतने बड़े लार्ज एंड लाइफ स्केल की मूवी थी तो मैंने कहा इसके बाद शायद पता नहीं कोई मुझे फिल्म अच्छी लगे या ना लगे लेकिन फिल्म का फर्स्ट हाफ वाज वेरी गुड ऐसे गुदगुदी हो रही थी कुछ सीन्स में ऐसे दिल को छू रहे थे कुछ सीन्स और माहिरा खान की अदाएं दुपट्टे लहराना और स्माइल्स और ये वो ऐसे उसका मैजिक सा छा रहा था स्क्रीन पर और फिल्म के शुरू में उसको जरा स्ट्रगलर दिखाया गया है कि वो कैसे सुपरस्टार का सफर तय कर रही है तो मुझे ये था कि हाफ टाइम के बाद वो एक सुपरस्टार बन के निकलेगी कुछ उसके होता है ना कोई फिल्मी गाने आएंगे शूटिंग्स में कुछ बड़े हीरो उसके साथ सीन्स दिखाएंगे कुछ झिलमिल स्क्रीन भर जाएगी सितारों से या अदाओं से तो फिल्म का सेकेंड हाफ बिल्कुल ही वो फिल्म को वहां से यहां ले आया एकदम थोड़ा लेंथी भी हो गया थोड़ा सा झोल भी था
फिल्म की स्टोरी ठीक है, वो एक लाइट मूवीज जो आजकल बन रही है, लाइट स्टोरी समझ में आता है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाल दें जो देखने वाले की आंखों को हिप्नोटाइज कर ले तो फिल्म अच्छी लगती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग फिल्म ये सोच कर देखने जा रहे हैं कि फिल्म में माहिरा इज अ सुपरस्टार, तो बिग नो, आप लोग फिल्म मत देखने दें। जी हाँ, क्योंकि फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट भी समीर है, लड़का है, फिल्म का हीरो तो वो ऑब्वियसली है ही है, फिल्म का सुपरस्टार भी वो लड़का ही है। तो अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिल्म एक सुपरस्टार, क्योंकि ट्रेलर देखकर विजुअल्स देख के ये लगता है कि एक लड़की की स्ट्रगलिंग की कहानी है, वो सुपरस्टार बनती है, वो ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, फिल्म का सारा जो प्लॉट है ना वो लड़के के गिर्द घूमता है। तो पहले तो आप अपना माइंड ये साफ कर लें कि माहिरा इज अ सुपरस्टार इन फिल्म, नो नो नो, समीर इज द सुपरस्टार ऑफ फिल्म है। लेकिन मुझे जो चीज बड़ी अट्रैक्ट की वो ये कि जिस भी शो में मैंने माहिरा खान के साथ उस लड़के को देखा, बिलाल अशरफ को, तो घबराया हुआ, लिटरली पसीने, वो एक लफ्ज होता है पंजाबी का ना, तरेलियां, कहूँ तो गलत नहीं होगा, तरेलियां आ रही हैं उसको, घबराया हुआ बैठा हुआ है, बिल्कुल बेचारा गरीब का बाल लग रहा है। आप कोई भी इंटरव्यू उसका उठा कर देखें, अभी जो रिसेंटली ईद के दिनों में उन्होंने की है प्रमोशन, तो माहिरा हाँ ये सुपरस्टार लग रही है, और वो बेचारा दबा दबा सहमा सहमा। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे, वो होते हैं ना कुछ लोग अपने आप को रखते हैं कि चलो कैमरा ओपन होता है तो फिर दिखाते हैं, तो फिल्म में वो डिफरेंट पर्सोना, बिल्कुल एक बहुत अच्छी एक्टिंग की, और मुझे पता नहीं था कि इतना एक्टर अच्छा निकलेगा वो। तो फाइनली ये फिल्म देखने के बाद मैंने कहा चलो दो हीरोज तो मिल गए फिल्म इंडस्ट्री, एक शहरयार मुनव्वर और एक बिलाल अशरफ। अब बात करते हैं माहिरा खान की तरफ, माहिरा खान का, क्योंकि आपको पता है एक इमेज ही सुपरस्टार है, और जब फिल्म के ट्रेलर टीजर्स इवन पोस्टर आया तो हम सब ने गैस कर लिया कि ये फिल्म तो माहिरा खान पे है, फिल्म में वो ही सुपरस्टार है, जबकि फिल्म में वो सुपरस्टार नहीं है। तो ये थोड़ा सा दिल को मुझे धचका सा लगा, थोड़ा सा मुझे फील हुआ, क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ माहिरा खान। बाकी एक्टिंग तो माहिरा खान नो डाउट छाई रही, परे हट लव में जितनी फीकी मुझे लगी थी, इस फिल्म में खूबसूरत शायद उसकी फिल्म थी, अपनी फिल्म का कॉन्फिडेंस ही एक आपके चेहरे पे एक ओवर होता है। फिल्म की स्टोरी बुरी नहीं थी, एक लाइट वे थी, बड़ी अच्छी फिल्म की स्टोरी थी, हीरो हीरोइन आपस में फॉल इन लव, लेकिन जब उनकी अपनी फिल्म की शूटिंग का टाइम आता है तो हीरो को बॉलीवुड से कॉल आ रही थी, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं वो फवाद खान का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, हीरो को बॉलीवुड से कॉल आ रही थी, वो वहां चला जाता है, ये होती है जी मेन उनकी ब्रेकअप लाइन। अगले दिन हीरोइन सेट पे है, हीरो बॉलीवुड चला गया छोड़ के एक सॉरी का मैसेज करके, तो इस वजह से जो उनका ब्रेकअप हो जाता है। फिर हाफ टाइम के बाद वो उन्होंने उस सारी चीज को पोर्ट्रे किया, जैसे शिव सेना ने आपको पता है वहां के हीरोज को कहा था 24 घंटे में आप निकल जाएं, एक्टर्स निकल जाएं यहाँ से, वो निकल कर वापिस आ जाता है, तब जो नूरी है माहिरा खान वो कहती है अब मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी, तो ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसी कुछ नोक झोंक चल रही है इस फिल्म में जी। एक्टिंग बेहतरीन एक्टिंग हीरो हीरोइन दोनों की, नदीम साहब का शुक्र है आपके बाप वाला रवायती रोल नहीं था, एक डायरेक्टर का रोल था, बहुत अच्छा रोल था, जावेश के वो एक दो भर्ती के सीन, हीरो का बाप, मरीना खान हीरो की माँ, और अस्मा बास हीरोइन की माँ, उसका अच्छा करेक्टर था उनका। खैर एक लड़की अलीजे शाह को पता, आजकल वो इमरान अब्बास का एक ड्रामा भी चल रहा है कुन 5 कुन, उसकी हीरोइन, उसने जी रोल किया माहिरा खान की छोटी बहन का, और क्या खूबसूरत, बला की खूबसूरत वो लगी है, जल्दी ही वो किसी बड़ी फिल्म की हीरोइन नजर आएगी। आप लोग मार्क माय वर्ड्स एंड थैंक मी लेटर। अगर आप एक हीरो बनना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप टॉपलेस हो जाएं, आप शर्टलेस हो जाएं। पूरी फिल्म में इतनी अच्छी एक्टिंग, और सिर्फ उसे एक गाने में, लगता उसका अपना भी दिल नहीं था, उस लड़के की चेहरे की बिलाल अशरफ की हवाइयां उड़ी हुई हैं, मूव्स कहाँ जा रही हैं, फेस कहाँ जा रहा है, ये स्टेप कहाँ जा रहा है, ये स्टेप कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है। कुबरा खान इतनी प्यारी लड़की है, उसको इतना गंदा पोर्ट्रे कर दिया, उसके कपड़े उसको बॉडी को मैच ही नहीं कर रहे, वो लग रहा है जैसे कोई ये मोटी लड़की है, जबकि वो एक बड़ा प्रिटी फेस है, बड़ी स्लिम ट्रिम लड़की है, उसको क्या बना दिया। बस वो एक गाना सबसे बड़ा झोल था उस फिल्म का, जिसकी जरूरत भी नहीं थी, पता नहीं क्यों किया उन्होंने ऐसा। तो ये बस एक, अगर बिलाल अशरफ इसमें शर्ट ना उतारता, चलो शर्ट उतारता तो कुछ अच्छा तो लगता, बिला वजह शर्टलेस गाना शामिल किया, मुझे नहीं पता क्यों वो ना करता, तो 10/10। तो मूवी आप लोग देखना चाहते हैं देख लें, मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप माहिरा के फैन हैं तो आप देख लें। सेकेंड हाफ में इतनी उम्मीद ना रखिएगा, आप बोर होने लग जाएंगे, फोन यूज करने लग जाएंगे,
ये थी जी। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है दिया है जी अजान समी खान का म्यूजिक है, और लोकेशंस ठीक है जिस मुताबिक बनाई गई है, कपड़े भी ठीक है ओके। बस ये है कि थोड़ी सी अ लिटिल बिट मेहनत और हो सकती थी स्क्रिप्ट में। फिल्मी हीरोइन जब आप दिखाते हैं ना तो आप कुछ धूम धड़का, कुछ नाच गाने, कुछ रौनक तो भरे स्क्रीन पे। तो बस जी ये थी आज की वीडियो। फिल्म को आई विल रेट इट 3.5 out of 5। 3 भी कहूँ तो बुरा नहीं होगा, लेकिन अच्छी कोशिश, एक सिलसिला चल निकला मूवीज का, तो डेट्स वाई आई एम ग्लैड। एक आखिरी बात ये कि अली काजमी भी है मूवी में, छोटा सा रोल है, लेकिन जहाँ जहाँ उसने हीरो के साथ स्क्रीन की है शेयर, हीरो को खा गया वो। एक एक दो जगह पे वो माहिरा का स्टेज प्ले देख रहे हैं हीरो और वो डायरेक्टर होता है, तो उसने ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया माहिरा को देख के, और हीरो साथ बैठा उसका ब्लैंक फेस, तो मैंने कहा वाह यार एक्टर तो ये होता है। तो जो एक्टर होता है वो एक लम्हे में पकड़ में आ रहता है, पहचाना रहता है। तो बस जी ये थी आज की वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ थम्स अप एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।